वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही अच्छे अभिनेता और अपने ओल्ड इज गोल्ड अभिनेता कह सकते हैं, उनका नाम है जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका जो फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इनका जो नाम है पुराना वो है ओंकार नाथ धर और ये कई पौराणिक फिल्मों में थिएटर में नारद मुनि की भूमिका निभाई। दोस्तों, फिल्मों में इनका नाम जीवन के रूप में फेमस हुआ। इनकी प्रथम डेब्यू आई थी फैशनेबल इंडिया 1935 में, फिर आखिरी फिल्म थी इनकी इंसाफ की मंजिल 1986 में। दोस्तों, इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1915 जम्मू, श्रीनगर और कश्मीर में हुआ और ये इनकी जो मृत्यु की तिथि है वो 10 जून 1987 मुंबई, महाराष्ट्र। दोस्तों, मौत का कारण इनका कोमा में ये चले गए थे। ये इंडियन हैं और इनका जो शौक रहा वो शिकार करना, खाना बनाना, जुआ खेलना, यात्रा करना। दोस्तों, ये विवाहित हैं थे और इनकी पत्नी जो है इनका नाम है किरण, बेटे का नाम किरण कुमार भूषण जीवन और बेटी निक्की जीवन और रिक्की उग्रा। दोस्तों, बेटे किरण कुमार भी फिल्मों में काम करते हैं और भूषण जीवन भी। तो दोस्तों, इस तरह से इनके 3 बच्चे रहे। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद धर, जो राजा महाराज अमर सिंह जम्मू और कश्मीर के शासनकाल में गिलगित और वजीरे वर्जात के राज्यपाल थे, और माता चंपा धर जो कि एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, इनके भाई बहन 20 रहे, सौतेले भाई विश्वनाथ धर, शंकर धर और एक बहन। इस तरह से इनका फिल्मी जीवन, व्यक्तिगत जीवन रहा। दोस्तों, इनका जीवन एक महान भारतीय अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। जब वो 3 वर्ष के थे उनके पिता का निधन हो गया। माता पिता की अनुपस्थिति के कारण उनका बचपन बहुत दुखमय बीता। बचपन में उन्हें फोटोग्राफी का शौक था और उन्होंने कश्मीर में एक नया फोटोग्राफी स्टूडियो खोलने के बारे में सोचा था। चूँकि उनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ, इसलिए फिल्मों में वो आने के लिए नहीं चाहते थे और वर्जित मानते थे। इसलिए 18 साल की उम्र में केवल रुपये लेकर अपने घर से भाग गए और 26 रुपये जेब में रख के और बम्बई चले आए। उन्होंने भारतीय निर्देशक मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हें रिफ्लेक्टर पर चांदी के कागज चिपकाने पड़े। उनके प्रतिभा का पता तब पता चला जब मोहन सिन्हा ने उनके एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा। उन्होंने दुर्योधन के रूप में पंडित नारायण बेताब की महाभारत की कुछ पंक्तियां सुनाई और फिल्म फैशनेबल इंडिया 1935 के लिए चुना गया। यहीं से उनका करियर आगे बढ़ा। दोस्तों, हालांकि वो केवल 3 भाषाएं उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी जानते थे, फिर भी उन्होंने कई पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार फिल्में हैं कानून, तराना, घर की इज्जत, मेला, अनुराधा, नागिन, ताज, 9-2-11 असीमित सूची है। हर तरह की फिल्मों में वो लगभग सभी तरह की भूमिका निभाए। फिल्म उद्योग में लगभग 50 वर्ष तक काम किया। कुछ फिल्मों में जीवन की भूमिकाएं बहुत ही अच्छी रही। वो एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 60 फिल्मों यानी नारद मुनि की एक ही भूमिका निभाई और जीवन की एक फिल्म में नारद मुनि जो है वो फेमस हो गए। नारद मुनि की भूमिका निभाते समय जीवन नॉनवेज खाना छोड़ देते थे क्योंकि नारायण नारायण संवाद को आवाज़ देते समय वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। उनके द्वारा कई बच्चों को शिक्षा में सहयोग मिला। जीवन ने किरण से शादी की और अपने घर का नाम जीवन किरण रखा। एक बार मध्य प्रदेश के खंडवा में शिकार करते समय जीवन एक ऐसे व्यक्ति के साथ थे जिसने एक हिरण को गोली मार दी और जीवन ने कभी मादा जानवरों पर गोली नहीं चलाई। उन्होंने उस शख्स से मादा हिरण पर गोली चलाई तो उसका पेट कट गया और उसका बच्चा बाहर आ गया। तब से जीवन ने शिकार करना छोड़ दिया। 1974 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रोटी रिलीज हुई जिसमें उनके उल्लेखनीय अभिनय के लिए बहुत सराहना मिली। उन्होंने बम्बई से बाहर आयोजित होने वाले एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया और एक साधारण व्यक्ति होने के नाते उन्होंने हवाई जहाज के जाने के बजाय अपने सहकर्मियों के साथ ट्रेन से यात्रा करना शुरू कर दिया।
अचानक एक महिला ने उनके चेहरे पर जूता फेंक दिया। पुलिस ने उस महिला को पकड़ लिया। उस महिला द्वारा अपमानित होने के बाद भी जीवन ने विनम्रता से उससे उसके व्यवहार का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, तुम क्रूर व्यक्ति हो। उनकी विनम्रता के साथ अपना गुस्सा छिपाते हुए उसने फिर पूछा तो महिला ने उन पर क्रूर होने और कई लोगों की हत्या करने, महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। ये सुनकर हैरान हो गए क्योंकि महिला को उसकी एक्टिंग इतनी सच्ची लगी कि उसे लगा कि वो सच में ऐसे हैं। जीवन ने पुलिस से कहा कि महिला को सम्मान के साथ छोड़ दिया जाए। वो जब जीवन से पूछा गया कि महिला ने उसके साथ जो किया उसे बुरा लगा तो जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने चप्पल को अपने स्वाभाविक अभिनय का पुरस्कार माना। और अगले दिन जीवन उस महिला के घर गए और उनकी सारी गलतफहमियां दूर की। जीवन ने अपने पेशे को बहुत गंभीरता से लिया, अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया क्योंकि वो हमेशा एक कहावत पर विश्वास रखते थे। वो कहावत है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। दोस्तों, उनका एक लंबा करियर था, उन्होंने प्रभाववादी अभिनय किया, चाहे वो बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर अमर अकबर एंथनी हो जिसमें खलनायक की भूमिका निभाई, या फिर तीन चोर जिसमें की हास्य भूमिका, दिलीप कुमार की लंपट भूमिका, मेला में, इस तरह से कई सारी भूमिका उन्होंने, छोटे बड़े भूमिकाएं में उन्होंने अच्छा रोल किया। और बेटे भूषण के साथ अपना लापरवाह में भी वो दिखाई दिए। तो दोस्तों, इस तरह से उनका जीवन रहा और बहुत ही अच्छा रहा। और 7 जून 1987 को वो कोमा में चले गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली लेकिन वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहे और 10 जून 1987 को उनकी मृत्यु हो गई। उनको यात्रा करना पसंद था। लंदन उनका पसंदीदा यात्रा स्थल था। वो अक्सर छुट्टियों पे लंदन जाते थे। तो दोस्तों, मैंने जो जीवन के बारे में आपको बताया, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।